बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ जी ब्रेड और दूध के साथ और इसके साथ ही जो है वो उबले हुए अंडों के साथ हम बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी जो है वो रेसिपी बना रहे हैं, जो कि बहुत मज़े की भी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। यकीनन बनाने के बाद जो है वो आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले और ये बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ब्रेड और अंडे से हम ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाएंगे। लेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून हमारे पास दूध है, दो डालेंगे। इसको इस तरह छोड़ देंगे और यहाँ पे हमारे पास 2 अदद जो है वो उबले हुए अंडे हैं, तो अंडों को जो है वो हम यहाँ पे ग्रेट करेंगे। यहाँ पे हरा प्याज है हमारे पास थोड़ा सा, वो डालेंगे। बारीक चॉपी हुई हरी मिर्चें हैं, ये भी डाल देंगे। अभी डालेंगे सूखी मिर्च पाउडर। स्पाइसेस जो है वहाँ पर नहीं, टेस्ट के हिसाब से डालना है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। खुश्क धनिया पाउडर, नमक, चाट मसाला, आप जो है हाथों की मदद से जो है वो सारे मसाले को अच्छी तरह गूंद लेंगे, ब्रेड को जो है वो मैश कर लेंगे। सारा मसाला मिक्स हो चुका है। यहाँ पे 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ये इसमें अच्छी सी बाइंडिंग जो है वो देगा। अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है। अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। यहाँ पे ये इस तरह आइसक्रीम जो है वो स्टिक्स ले लेंगे।
यहाँ पे हमने एक अंडे में थोड़ा सा जो है वो मैदा मिलाकर नमक मिर्च मिलाकर इसको फेंट लिया है। तो सबसे पहले जो है वो इसमें डिप करेंगे और इसके बाद जो है वो ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो इसी तरह बाकी सारे जो है वो हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमने सारे जो है वो ड्रमस्टिक्स तैयार कर लिए हैं। तो इस स्टेज पर आप इन्हें जो है बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं जब चाहे आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में दे टी टाइम में या मेहमान घर आते हैं तो आप इनको उस वक्त ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम भी इनको अभी ट्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें गोल्डन होने तक जो है वो फ्राई कर लेना है। फाइनली आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही जो है वो मजेदार से हमारे जो है वो एग लॉलीपॉप या एग ड्रम स्टिक आप इन्हें कहें एग स्टिक्स के हैं वो भी लेकिन बहुत ही कमाल के मजेदार से ये जो है वो स्नैक्स बनते हैं। स्पेशली जो है वो किड्स के लिए बच्चों के लिए ये बेहतरीन है। लंच बॉक्स के लिए आप इसे टी टाइम में ले सकते हैं मेहमानों को सर्व करें बहुत ही इंशाल्लाह सबको ये पसंद आएंगे। तो अगर आपको भी ये आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखें कितने ये क्रिस्पी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।